हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी तो कृष्णा सो ही रहा है और मेरी गुड मॉर्निंग होगी। आज मुझे बाहर जाना था तो मेरी गुड मॉर्निंग थोड़ी जल्दी होगी। और अभी मैं अपने ड्राई फ्रूट्स लूँगी। जैसे कि आपको पता ही है, मैं सबसे पहले अपने ड्राई फ्रूट्स ही खाती हूँ, तो वो खाऊंगी। मेरी डे की शुरुआत मोस्ट ऑफ टाइम है ना ड्राई फ्रूट्स के साथ ही होती है। आप लोगों की डे की शुरुआत किस चीज़ के साथ होती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी मैं रेडी हो गई, अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। और समर में आप जब भी बाहर निकल रहे हो ना, आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होता है। जैसे कि आप घर से निकलते टाइम कॉटन वियर पहन के निकलो। जैसे कि अभी मैंने पहन रखा है, ये थोड़ा सा लूज भी होना चाहिए जैसे कि आप कंफर्टेबल फील करो। सेकेंड चीज जो आपको आपके साथ में कैरी करनी है वो है कि एक वाटर बॉटल साथ में लेके जरूर निकलो, क्योंकि इसकी नीड आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। और पानी, एंड अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं आपके डॉक्यूमेंट, उनकी फाइल आप जरूर लेके जाइए। तो अभी मैं चलती हूँ हॉस्पिटल के लिए, फिर बताती हूँ आज मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी, क्या रहा मेरा डे और डॉक्टर ने मुझे क्या बोला। आने से पहले मैंने अपने लिए ना लेमन वाटर बनाया था, क्योंकि गर्मी बहुत है तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे पसंद भी है नींबू पानी, तो बस वही पी के मैं निकलूँगी घर से। और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल पहुँच गई और आज मेरा वैक्सीनेशन डे है, जो आप देखने वाले हो। थोड़ी देर में मुझे वैक्सीन लगेगी और थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है, बट अब तो यूज्ड टू हो गई मैं इसका। अब तो मुझे डर नहीं लगता, तो लगवा लेती हूँ। पहले लगता था, बट अब तो सब कुछ नॉर्मल है। देखो, मिठाई जो मुझे खिलानी चाहिए, दीदी मुझे खिला रही हो जाए तब तो मुझे खिलाइयो, अभी तू खा। है। उसके बाद में हम लोगों ने हमारे लिए ओरियो शेक मंगाया था, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो बस यहीं पे आके मैं अपना शेक ले रही थी। कहाँ जा रहे हो दीदी? खाना खाने वो बता रही है। और अभी हम जा रहे हैं लंच पे। एंड पहले तो पता है डिसाइड करने में बहुत टाइम लग जाता है क्या खाना है क्या खाना है। फिर लास्ट में हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अपन है ना एक थाली मंगा लेते हैं, वेज थाली जो रहती है वो ही ज़्यादा हेल्दी भी रहेगी और पेट भी भर जाएगा। और मेरा तो बिल्कुल भी है ना फास्ट फूड खाने का मन नहीं था, तो मैंने तो अपने लिए थाली ऑर्डर की थी यहाँ पे। अभी मैंने कृष्णा को सुला दिया, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद तो बात करने ही नहीं देते। बीच बीच में कैमरे में आता रहता है और डिस्टर्ब करता रहता है ना, प्रॉपर है ना आप लोगों के साथ बात नहीं हो पाती है। तो अभी मैंने उसको सुला के फिर मैं आई हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे बात करती हूँ। तो आज मैं गई थी वैक्सीनेशन के लिए, आज मुझे टीटी का सेकंड डोज लगा था। आप लोगों को वैक्सीन लगाना आपने स्टार्ट कर दिया, आपका कौन सा मंथ चल रहा है? फोर्थ मंथ से आपकी वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप अपनी जो प्रेगनेंसी की वैक्सीन होते ना उन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इन फ्यूचर में और प्रेगनेंसी में भी। तो वैक्सीन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर अभी तक नहीं लगवाई और आपका टाइम चल रहा है तो जाके जरूर लगवाइए एक बार के लिए। एंड आज मैं डॉक्टर से नॉर्मल चेकअप के लिए भी गई थी, तो उन्होंने मुझे एको टेस्ट लिखा था, OGTT और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होता है प्रेगनेंसी में, तो मुझे वो भी करवाना है। बस होपफुली वो टेस्ट अच्छा है। आके मैंने उसके बारे में स्टडी की थी, तो ग्लूकोज का टेस्ट होता है जो हमारे बॉडी में अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है या नहीं उससे रिलेटेड, इसमें हमें आइडिया लगेगा, तो मुझे वो टेस्ट भी कराना है। और तो मेरा सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा था। तो मेरा जो लास्ट टाइम टीटी का इंजेक्शन लगा था ना, तब तो मेरे हाथ में इतना ज्यादा दर्द हुआ था कि मैं ऐसे भी नहीं कर पा रही थी। बट आज तो टचवुड मुझे इतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, बहुत हल्का फुल्का दर्द है जो मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, मतलब इतना फील नहीं हो रहा था। लास्ट टाइम तो मुझसे ना सोया जा रहा था, ना कुछ भी नहीं किया जा रहा, बहुत बहुत दर्द हुआ था। मस्ती भी की बाहर जाने के बाद में, अपने फ्रेंड से भी मिली, तो आज का डे तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा था और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने साथ में। बहुत टाइम बाद में मिले थे, कंसीविंग के बाद तो मैं मिली ही नहीं थी किसी से भी, मिलना ही नहीं हो रहा था, बाहर भी नहीं गई, फिर घर पे चली गई थी मैं अपने, तो फिर वहां से आई तो ऐसा चलता रहा, तो फिर मिलना नहीं होता। कल मिलके भी आई अपने फ्रेंड से भी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी तक कितना वेट गेन हुआ तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हो, कि अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके है ना मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया, मेरा कितना वेट गेन हुआ है इस टाइम पे।
तो आप मुझे बोल सकते हो मैंने 60.8 के समथिंग अपना ना बेबी कंसीव किया था, कि मेरा 61 के समथिंग वेट था उस टाइम पे, और अभी मेरा जो वेट आया है करंट में वो आया है 65.1 जो मैंने कल करवाया था। तो देख लो आप, मैंने 5 kg 4 kg के समथिंग अपना वेट पुट ऑन किया है, ज्यादा मैंने नहीं किया। और मुझे देख के तो ऐसा लगता है अभी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, या फिर है ना मेरा अभी टमी भी इतना ज्यादा नहीं आया है जितना इस टाइम पे आ जाना चाहिए होता है। तो जिन लोगों का नहीं आ रहा ना अभी प्रॉपर भी नहीं आया है, और उनका टाइम मेरा जितना लॉन्ग हो गया था, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारी बॉडी शेप के ऊपर भी बेबी डिपेंड करता है, बस आपका बेबी हेल्थी होना चाहिए। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ यही केस था कि मेरा पेट बहुत कम था, तो मैं बहुत ज्यादा वरीड रहती थी उस टाइम पर। मैं इतनी टेंशन में रहती थी कि यार मैं क्या करूंगी, बट इस टाइम पे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हमें हो जाता है ना लाइफ का, तो नेक्स्ट टाइम वो उतना ज्यादा टेंशन का सब्जेक्ट नहीं बनता है। मैं अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा वेट भी पुट ऑन नहीं, और मेरा बेबी का वेट है ना प्रॉपर गेन हो रहा है नहीं हो रहा। तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू मुझे ये भी पता चल गया था कि मेरा बेबी का जो वेट आ रहा है ना वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, उसे कोई भी मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वेट से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है मुझे अभी। तो फिर मुझे ऐसे अपने वेट की इतनी टेंशन नहीं, और मैं वेट के लिए भी पता है क्या कर रही हूँ कि मैं ना छोटे छोटे इंटरवल्स में खाना खा रही हूँ, हेल्दी खाना खा रही हूँ, फास्ट फूड ऑयली चीजों को थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, जिस दिन मुझे क्रेविंग होती है मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ, पर ध्यान में रखते हुए खाती हूँ कि एक्स्ट्रा ना हो, उतना ही लो जितने मेरी बॉडी को नीड है। तो बस दोस्तों मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाह रही थी, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए दोस्तों कि आप लोग मतलब प्रेग्नेंट हो तो कौन सा आपका मन चल रहा है, कैसे जा रही है आपकी जर्नी, आप लोग क्या क्या कर रहे हो, कौन कौन से प्रिकॉशन रख रहे हो, तो मुझे भी अपनी जर्नी में हेल्प मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों।